Before discussing the exception or abnormalities of ionization energy in the periodic table, you should know about the definition of ionization energy. It is the amount of energy required to remove an electron from the valence shell of the isolated gaseous atom. Now, what is the periodic trend of ionization energy? अगर हम ionization energy को देखें, तो ionization energy का periodic trend बड़ा simple है. कि लेफ्ट से राइट यानी पीरियड्स के अंदर ये इंक्रीज होती है और टॉप से बॉटम यानी ग्रुप्स के अंदर ये डिक्रीज होती है. आप देख सकते हैं कि अलोंग द ग्रुप दिस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस. अब एक्सेप्शन कहाँ पे हैं? एक्सेप्शन ये है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड्स के अंदर तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है. इट्स मीन कि ये सेकेंड ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और थर्ड ए की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए. बट केस इज़ रिवर्स. ऐसा होता नहीं है कि थर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि थर्ड की कम होती है और सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. दिस इज़ एक्सेप्शन केस आर अबनॉर्मलिटी. अब नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी कौन सी है, हम वो देखते हैं कि अगर हम 5A को देखें और 6A को देखें, तो जो 5A है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और 6A की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट बढ़ रही है. बट इन एक्चुअल केस द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5A ग्रुप इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द 6A ग्रुप. दिस इज़ आल्सो एबनॉर्मलिटी और एक्सेप्शन केस. अब हमने इसको स्टडी करना है कि इसकी रीज़न क्या है, इन दोनों की रीज़न क्या है. पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ए की अगर हम बात करें तो सेकेंड ए के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके पास ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम और रेडियम है. चले हम ब्रीलियम की बात कर लेते हैं. अगर मैं ब्रीलियम की बात करूँगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने चेक करनी है. ब्रीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1s2 और 2s2. तो इसका जो वेलेंस शेल है डैट इज़ 2s2, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन आर इन पेयर. और याद रहे डेयर स्टूडेंट्स कि जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. इट्स मीन स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है. यही वजह है कि ग्रुप 2A की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 3A से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जबकि ग्रुप 3A के अंदर ऐसा कोई केस नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में मौजूद नहीं होते. अगर हम बात कर लें ग्रुप 5A की और ग्रुप 6A की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप 5A और 6A में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो ग्रुप 5A में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ होते हैं. ग्रुप 6A ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं. अगर आप इन एलिमेंट्स के नाम याद करना चाहते हैं तो एक और वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि इनके नाम हम कैसे ईजिली याद रख सकते हैं, कि ये क्या ट्रिक है इसको याद करने की. तो फिलहाल हम देखते हैं कि पाँचवा ग्रुप जो नाइट्रोजन, फास्फोरस है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. रीज़न क्या है? तो हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के चेक करते हैं कि कैसे है. नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो होता है 7, तो 1s2, 2s2 एंड 2p3 हो जाएगा. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ हाफ फील्ड. हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास शैल या सब शैल है, जब वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है. मसलन पी के अंदर 6 होता है, 6 के 6 हैं, तो उसका मतलब है वो स्टेबल है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है. और अगर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड का मतलब है कि 6 थे, अब 6 की बजाय वो सिर्फ 3 आ गए हैं, तो उसका हाफ है, तो दिस इज़ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है. अब चूँकि जितने भी नाइट्रोजन और उसके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक सबशेल मौजूद होता है. जब हाफ सेल सबशेल मौजूद होता है तो उसका मतलब ये है कि हाफ फिल स्टेबल होता है. जब स्टेबल होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो यही वजह है कि जो ग्रुप हमारे पास ग्रुप, अगर हम ग्रुप 5A की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो वो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा है,
और ग्रुप 6A की जो है वो कम है। अगर ग्रुप 6A की मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन की, तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पर 2p3 की बजाय क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। उसका मतलब है 4 6 आने चाहिए थे लेकिन 4 है, तो ये ना कम्प्लीटली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, तो डैट्स वाई इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए आसान है। जबकि ग्रुप 5 के अंदर ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दे आर स्टेबल and the removal of electron is difficult, so ionization energy is high.